नेक्स्ट जो हमारा आज की क्लास में टॉपिक है दैट इज फास्फोरस साइकिल। नेक्स्ट क्या है हम लोगों का? फास्फोरस साइकिल। अब जब कभी भी आपने केमिस्ट्री की पढ़ाई करी है, आपने फास्फोरस 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 बहुत बार सुना है आपने, ठीक है। फास्फोरस कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अगर हम बायोलॉजिकल वर्ल्ड की बात करें तो अगर हम इसका अकरेंस देखते हैं, मतलब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आपको थोड़ी याद आएगी 11th के बायोमोलिक्यूल्स की, ठीक है। जहां पे आपने क्या देखा था, आपको याद है मैंने आपको बताया था ये फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, याद आ रहा होगा आपको, है ना। तो इसका मतलब है कि ये कहाँ पाया जाएगा, ये सेल मेम्ब्रेन में भी पाया जाएगा। फॉस्फोरस जो है ये कहाँ मिलेगा आपको, सेल मेम्ब्रेन में भी मिलेगा, ठीक है। और ये कहाँ मिलेगा, ये न्यूक्लिक एसिड्स में। न्यूक्लिक एसिड में मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट मिलके ये बना होता है, आपको याद आ रहा होगा, मैं बस आपको रिकॉल करा रही हूँ। तो ये न्यूक्लिक एसिड्स में भी आपको क्या होगा, पाया जाएगा, ठीक है। अब ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फिर क्या है, वापस फॉस्फोरस। तो इसका मतलब है कि अगर आप कहीं से भी एनर्जी की केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं तो वहां भी आपकी मुलाकात किससे होगी, जो सेलुलर एनर्जी आपको चाहिए, जो आपको क्या चाहिए, सेलुलर एनर्जी चाहिए, तो वहां पे भी आपको किसके बिना उसको आप कंप्लीट नहीं कर सकते, फास्फोरस के बिना आप उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है, ये सेलुलर एनर्जी के लिए भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो क्या, उनको ये लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है, किसके लिए, यहाँ देखिए, उनको अपने बाहरी कवरिंग का शेल्स बनाना होता है। हमारे जैसे दांत टीथ बने हुए हैं, हमारे बोन्स हैं, हमारी हड्डियां जो टीथ हैं, ठीक है, ये सब में क्या है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस है। नेचुरल रिजर्वॉयर ऑफ फॉस्फोरस इज रॉक, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि फॉस्फोरस साइकिल इज अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल, ये सेडिमेंट्री साइकिल का टाइप है। और सेडिमेंट्री साइकिल का रिजर्वॉयर क्या होगा, अगर कोई आपसे पूछता है तो आपको बोलना है कि सेडिमेंट्री साइकिल का जो रिजर्वॉयर है वो क्या होता है, हमारा अर्थ होता है, हमारी धरती होती है, ठीक है। तो ये सब जैसे आपके बोन्स हैं, शेल्स हैं, हमारे दांत हैं, तो ये फॉस्फेट के फॉर्म में क्या करते हैं, फॉस्फोरस को कंटेन करने का काम करते हैं, ठीक है। फॉस्फोरस जब क्या करता है, इन सब में डिजोल्व होने की कोशिश करता है, जैसे सॉइल में वो डिजोल्व फॉर्म में जाएगा। जैसे मैं आपको बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ, एक ह्यूमन है, ठीक है, इस बंदे की डेथ हो गई, डेथ होने के बाद इसको एक सॉइल के अंदर दबाया गया यहाँ पर, ठीक है। अब हमें पता है कि इसकी बॉडी में जो इसके बोन्स हैं, इसके टीथ हैं, जो सारी चीजें हैं वो कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स तो वापस किए जाएंगे डिकम्पोजिशन के द्वारा, जो बैक्टीरिया माइक्रोब्स करेंगे तो उसको उसके द्वारा क्या किया जाएगा, इसको वापस किया जाएगा, ठीक है। वापस जब किया जाएगा तो इसके ऊपर हो सकता है कि कोई प्लांट ग्रो कर रहा हो, कोई ट्री ग्रो कर रहा हो, कुछ भी ग्रो कर रहा हो, तो ये जो वापस न्यूट्रिएंट लेगा वो तो यहीं से खींचेगा। फिर पता चला कि किसी एक बच्चे, न्यू बॉर्न बेबी है, यहाँ पे किसी बच्चे का बॉर्न हुआ, तो मान लीजिए कि आप उसको फ्रूट्स खिला रहे हैं, कुछ भी खिला रहे हैं, तो ये क्या हो गया, साइकिल चलता चला गया, साइकिल जो है यहाँ पे स्टार्ट हो गया और ये साइकिल जो है हमेशा के लिए चलता चला गया, ठीक है। तो ये खासियत है किसकी, फॉस्फोरस साइकिल की। लेकिन ये जो है यहाँ पे ये सेडिमेंट्री साइकिल है, और फॉस्फोरस का जो सोर्स है, फॉस्फोरस का जो रिजर्वॉयर है, दैट विल बी द क्रस्ट लेयर ऑफ अर्थ। अर्थ के अंदर जो क्रस्ट लेयर है वही इसका क्या होगा, रियल सोर्स होगा, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। आगे मैं बढ़ रही हूँ, यहां तक तो मुझे नहीं लगता समझने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। आगे देखिए, हर्बीवोर्स एंड अदर एनिमल्स ऑब्टेन द एलिमेंट फ्रॉम प्लांट, ऑब्वियस है, पता ही आपको, द वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड द डेड ऑर्गेनिजम्स आर डिकम्पोज्ड बाय फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया। पहले बता दिया मैंने आपको, बैक्टीरिया वगैरह उसको डिकम्पोज करके सोल्यूबलाइज करने का काम करेंगे फॉस्फोरस के फॉर्म में। अनलाइक कार्बन साइकिल देयर इज नो रेस्पिरेटरी रिलीज ऑफ फॉस्फोरस इनटू, हमें हवा में उड़ता हुआ नहीं दिखेगा फॉस्फोरस, सिर्फ आप कंज्यूम कीजिए आपकी बॉडी में जाएगा। किसी ह्यूमन बींग की डेथ हुई, सॉइल में उसको बड़ी किया, दबाया, सॉइल में जाएगा, फिर प्लांट ने उसको खींचा, फिर आप प्लांट का कोई सोर्स खा रहे हैं,
पत्तियां खा रहे हैं, नीम के पत्ते खा रहे हैं हेल्दी होने के लिए, आपकी बॉडी मतलब आपको उड़ता हुआ नहीं दिखेगा। उसका जो मेन रिजर्वॉयर है, जो अर्थ क्रस्ट है, जहां से आप उसको बार बार ले भी रहे हैं और फिर वापस उसको डेथ के बाद उसको आप वापस लौटा भी रहे हो, ठीक है। तो अनलाइक कार्बन साइकिल, देयर इज नो रेस्पिरेटरी रिलीज ऑफ फॉस्फोरस इनटू एटमॉस्फेयर। कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द कार्बन एंड द फॉस्फोरस साइकिल? इसके डिफरेंसेस आप देख लीजिएगा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कार्बन साइकिल इज अ काइंड ऑफ गैसियस साइकिल, व्हाइल फॉस्फोरस साइकिल इज अ काइंड ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल। द अदर टू मेजर एंड इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन कार्बन एंड फॉस्फोरस साइकिल आर, फर्स्टली एटमोस्फेरिक इनपुट्स ऑफ फॉस्फोरस थ्रू रेनफॉल आर मच स्मॉलर देन कार्बन इनपुट्स, एंड सेकेंडली गैसियस एक्सचेंजेस ऑफ फॉस्फोरस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट आर नेग्लिजिबल। आज तक नहीं देखा गया ऐसा, ये तो बेवकूफी वाली बात है। अगर कोई आपको बोले ऐसा कि हम ऐसे हवा में उड़ते हुए फॉस्फोरस का एक्सचेंज होते हुए देख रहे हैं, तो ऐसा तो होता नहीं। वही चीज आपको यहाँ पे बताई जा रही है, बहुत आसान सा, सिंपल सा, साधारण सा। आपको यहाँ पे क्या किया जा रहा है, फॉस्फोरस साइकिल समझाया जा रहा है। आप यहाँ देखिए, आपको खुद समझ आएगा। प्रोड्यूसर्स मतलब मान लीजिए यहाँ पे कोई प्लांट है, ठीक है, इसने सोलर एनर्जी का यूज करके, सोलर सन एनर्जी का यूज करके यहाँ पे क्या किया, अपने आप को ग्रो किया, ठीक है। कंज्यूमर्स जो है उसको खाएंगे। अब कंज्यूमर्स अगर यहाँ पे ये क्या करेगा, कंज्यूमर्स जो लेटर फॉल जो इसको बोल रहा है, इसके पत्ते वत्ते लीफ वेप गिरे या खराब होने वाली जो भी चीजें हैं वो सब है। डिट्राइटस का क्या मतलब सिखाया मैंने आपको, रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन करने के लिए जो उसको एक रॉ मटेरियल चाहिए, दैट इज डिट्राइटस। क्या है यहाँ पे, वो डिट्राइटस है, ठीक है। तो वही चीज आपको यहाँ पे बोल रहा है कि फिर क्या हुआ, डिट्राइटस हो, और डिट्राइटस कहाँ जाएगा, डिट्राइटस एक ही जगह जाएगा, सॉइल सोल्यूशन में जाएगा। फिर क्या होगा, सॉइल सोल्यूशन में जब जाएगा तो वेदरिंग होगा, और वेदरिंग होने के बाद फिर क्या होगा, इधर से भी पता चला कि वो क्या हुआ, रन ऑफ हुआ, तो फिर ये जाएगा कहाँ, रॉक मिनरल्स में, सॉइल्स में वापस चला गया। ये साइकिल क्या है, हमेशा चलता रहता है। तो ये आपका क्या है, फॉस्फोरस साइकिल है, ठीक है। अब एक यहाँ पे टॉपिक है, दैट इज इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम सर्विसेज, आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि अगर किसी को ना, ह्यूमंस के बारे में स्पेशली बात कर रही हूँ, किसी को ना अगर फ्री फंड में कहीं भी कुछ मिले ना, तो वो उसका ना मतलब मिसयूज बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे दिल्ली चले जाइए, वहां पीने का पानी लोगों को खरीद के पीना पड़ता है। तो वहां आपने नहीं देखा होगा कि कोई अगर ड्रिंकिंग वाटर है तो उससे बहुत ज्यादा हाथ मुंह सब धोने का काम करता है। लेकिन आप अगर एक हैंडपंप का यूज करके एक बाल्टी पानी चला रहे हैं, आपको पता है कि पूरा पानी क्या है वहां पे, पीने वाला ड्रिंकिंग वाटर है, अच्छा खासा साफ पानी है, ठीक है। तो मजे से लोग वेस्ट करते हैं उसको, पैर धो रहे हैं तो पता चला एक बाल्टी पानी से पैर ही धो रहे हैं। क्या मेरा यहाँ पे बोलने का मतलब है, इकोसिस्टम जो है वो फ्री में हमें बहुत सारी सर्विसेज देने का काम करता है, जिसके बारे में हम अज्यूम भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, ठीक है। अब यहाँ पे एक बंदे का नाम आ रहा है, एक पर्सन का नाम आ रहा है, जिनका नाम था रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा। उनका नाम क्या था, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा। रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा का ऐसा मानना था कि जितना भी लाइफ सपोर्टिंग सर्विसेज है, नेचर जो हमें देता है, उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्या लगना चाहिए, प्राइस टैग लगना चाहिए, जिससे लोगों को उसकी कीमत का भी पता चले, प्लस उसका मिसयूज भी कम हो, और दूसरी बात आगे की जनरेशन के लिए वो बचा भी रहे। तो यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा एंड हिज कलीग्स हैव वेरी रिसेंटली ट्राइड टू पुट प्राइस टैग ऑन नेचर Life supported services. Researchers have put an average price tag of US billion 33 trillion a year on the fundamental ecosystem services, which are largely taken for granted because they are free. This is nearly twice the value of the global gross national production GNP, which is US dollar 18 trillion. अब जैसे एक छोटा सा example लीजिए ना, electricity का, ठीक है। कई गांव ऐसे होते हैं जहां पे बिल नहीं आते, आप देखेंगे 24 घंटे सुबह धूप निकल गई है, भाई लाइट जला हुआ है, भाई उनका बिल ही नहीं आना तो वो कैसे कदर करेंगे उस चीज की। लेकिन अब हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो भरना पड़ता है, तो आप देखेंगे अच्छा डे हुआ तो फटाफट लाइट बंद कर दिया,
अच्छा इस कमरे से बाहर जा रहे हैं तो फटाफट हमें लाइट बंद कर दे, तो उस चीज की वैल्यू है हमारे पास। तो इससे क्या होगा कि इकोसिस्टम के जो भी लाइफ सपोर्टिंग सर्विसेज जो है वो काफी टाइम तक बचा रहेगा और हम लोग उस चीज की वैल्यू भी करेंगे। आउट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ वेरियस इकोसिस्टम सर्विसेज द सॉयल फॉर्मेशन अकाउंट्स फॉर अबाउट 50% एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर सर्विसेज लाइक रिक्रिएशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स साइक्लिंग आर लेस देन 10% ईच। द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट रेगुलेशन एंड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ आर अबाउट 6% ईच। तो अब जाके फाइनली आपका ये चैप्टर उबर हुआ है। और एक चीज मैं आपको वापस रिपीट करूंगी, जो बच्चे अभी इस चैप्टर को सुन रहे हैं, सारे बच्चों के लिए एक छोटी सी बात है, एक बार मैं फिर आपको समझा दूं इस चैप्टर को आपको तैयार कैसे करना है। मैंने आपको सीबीएसई के अकॉर्डिंग, मैंने आपको सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है वो मैंने आपको काफी पहले ओवर करा रखा है, बहुत पहले, 2 मंथ पहले मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। अभी जो सिलेबस है वो हम लोग जो कर रहे हैं, 2 चैप्टर्स और रिमेनिंग है जिसको मैं फिनिश कर दूंगी जल्दी ही, ठीक है। तो आपको मैंने इतना सिलेबस करा रखा है कि आप टॉप कर सकते हैं। रीजन क्या है, आप जो अपने स्टेट बोर्ड का एग्जाम देने बैठेंगे उसमें आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ऑप्शंस है। बहुत ज्यादा ऑप्शन का मतलब कि आपको 100% क्वेश्चन अगर दिया जा रहा है तो उसमें से आपके पास चॉइस है कि आप मात्र 50% क्वेश्चन को ऑप्ट आउट कर सकते हैं, तो सवाल ही नहीं उठता। और मैंने इतना बढ़िया और डिटेल में आपको सारे सारा चैप्टर कराया है कि मुझे नहीं लगता आपको कहीं डाउट आएगा। हाँ बस एक चीज क्या है इस चैप्टर को, तो क्योंकि आपको एक डाउट था आपके दिमाग में, आपको ऐसा फील हो रहा था कि नहीं हमारा स्टेट बोर्ड है फिर भी हमारे से सारा ही पूछ लिया जाएगा। हालांकि सीबीएसई ने गाइडलाइन में दिया है कि हमने जो चैप्टर्स रिड्यूस किए हैं उसको सारे बच्चों को फॉलो करना है, बट आपके मन में एक वहम था तो मैंने आपको करा दिया, ठीक है। तो इसको आपको कैसे तैयार करना है कि ईच एंड एवरी लाइन जो है उसमें से आपको खुद ही क्वेश्चन फॉर्म करना है, खुद ही आंसर बनाना है। ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, बनाने की कोशिश कीजिए। जहां डाउट आता है, जहां फंसते हैं, जहां आपसे नहीं बनता है, वहां आप मेरे से कंफर्म करेंगे, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं आज की क्लास में किसी को, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, चलिए चलिए ठीक है।